Hello everyone, welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh and I welcome all of you in this discussion of PSSSB legal clerk exam. थोड़े दिन पहला ये एग्जाम होया सी, आपां उस दी डिस्कशन करने वाले हैं. आपां ये सारे क्वेश्चंस दा जिहड़ा पीडीएफ है वो तुहानूं इस वीडियो दी डिस्क्रिप्शन दे विच भी मिल जूगा. तो सब्जेक्ट वाइज आपां क्वेश्चंस नूं डिस्कस करांगे. तो मैं उम्मीद है तुहाडे बहुत सारे क्वेश्चन सही होए होणगे. तो जे गलत भी होए आपां देखांगे किहड़े किहड़े क्वेश्चन सही है, आंसर की सही है, तो की तुसीं गलतियां कर सकदे सी. ठीक है जी. The first question is which of the following articles of Indian Constitution declares it a primary duty of state to raise the level of nutrition and standard of living of its people and the quote unquote improvement of public health. ठीक है जी. तो ये जिहड़ा ये जिहड़ी वर्डिंग है, देखो इन्होंने कहा ड्यूटी ऑफ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ स्टेट. ठीक है जी. तो इस तो तुहानू एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि जिहड़ियां स्टेट दियां ड्यूटीज़ दी गल है वो कित्थे लिखी गई है. DPSPs दे विच लिखी गई है. ठीक है जी. DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है जी. जिहड़े पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखे गए हैं, इन्हां दे विच ओह गल्लां लिखियां गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिन्ना एरियाज़ ते ओह प्रोविजनस ते सरकार दा स्टेट दा फर्ज है कि ओह उन्हां ते कानून बनावे, पॉलिसीज बनावे, स्कीम्स बनावे. ठीक है जी. एंड उन्होंने आप चूज करना है DPSPs केड़े आर्टिकल्स दे विच. आर्टिकल 36 टू 51 डील विद DPSPs. ठीक है जी. तो हुण आपानू पब्लिक हेल्थ दे नाल जेड़ा आर्टिकल डील करता है दैट इज आर्टिकल 47. आर्टिकल 47 कहिंदा है कि न्यूट्रीशन दा स्टैंडर्ड, हेल्थ दी इंप्रूवमेंट ते पब्लिक हेल्थ दे उत्ते वर्क करना, उसनू बेटर करना स्टेट दी की है जिम्मेवारी है. तो DPSPs दे आर्टिकल ते क्वेश्चन सी. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. उम्मीद है तुहाडा इह क्वेश्चन सही होया होगा. ऑन द सैपरेट नोट तुहानू पता है DPSPs है जिहड़े इह नॉन जस्टिशिएबल हुंदे. नॉन जस्टिशिएबल दा मतलब की है कि जे स्टेट इह पूरा नहीं भी कर पाउंदी तां इन्हां नूं कोर्ट दे विच तुसीं घड़ीस नहीं सकदे. ठीक है जी. तुसीं सुप्रीम कोर्ट डायरैक्टली नहीं जा सकदे. ठीक है जी. या कोर्ट दे विच नहीं जा सकदे कि तुहानू इह DPSPs है जिहड़े नहीं पूरे हो रहे गवर्नमेंट दी जिहड़ी ड्यूटी सी. ठीक है जी. तो नॉन जस्टिशिएबल नेचर दे हुंदे. एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी. रीसेंटली थोड़े महीने पहला. ठीक है जी. ये श्रीनगर दे विच, मैं पहले ही दसदा करैक्ट आंसर इसका ए श्रीनगर है. तो करीब करीब 62 वरायटीज ऑफ ट्यूलिप्स इतने प्रेजेंट ने. तो रीसेंटली ओपन किया गया सी. करीब करीब 4000 विजिटर्स ने या टूरिस्ट ने पहली बार ही इसनों विजिट किया फस्ट डे दे ओपनिंग दे दौरान ही. ठीक है जी. इट वॉज इन न्यूज एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ क्योंकि करंट फेस दे पार्ट विच सी. ठीक है जी. तो ए श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर. द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज. कैसे कंट्री दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दा बेस्ट इंडिकेटर केड़ा. ठीक है जी. देखो वैसे इन ऑप्शंस दे विच्चों ही आपां आंसर चूज करना है. ठीक है जी. जो आप देखते हैं ग्रोथ दे इंडिकेटर्स दी गल करिए, यूजली ग्रोथ है जिहड़ी एक्सप्रेस की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर GDP. ठीक है जी. GDP ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਟਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ NDP ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. NDP ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ GDP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है जी. बट जे आपां फॉरन कंपोनेंट या जिहड़े इंडियन नैशनल इंडिया दी टेरिटरी तो बाहर काम कर रहे हैं उन्हां दी कंट्रीब्यूशन नूं जे ऐड कर लिए, वी गेट अ न्यू इंडिकेटर GNP, ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट. ठीक है जी. ते जे इस दे विच्चों डेप्रीसीएशन माइनस कर दिए, वी गेट अ न्यू इंडिकेटर NNP, नैट नैशनल प्रोडक्ट. ठीक है जी. तो ये देश दी इनकम होगी, देश दी पूरे साल दी या एक साल दा टाइम, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड दी कमाई होगी. तो जे आपां इस नूं टोटल पॉपुलेशन ना डिवाइड कर दिए, वी गेट पर कैपिटा इनकम की ऑन एन एवरेज एक बंदे दी इनकम की होगी. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ये 10 ही दिंदा पर कैपिटा इनकम. तो करेक्ट आंसर विल बी डी, पर कैपिटा इनकम. सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं दस सकता, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दस सकता, पॉपुलेशन नहीं दस सकती. ठीक है जी. उम्मीद है तुहाडा ये क्वेश्चन है जिहड़ा सही होया होगा. Which of the following is not a rabi crop in India? Very very easy question. ठीक है जी. Rabi crop, केड़ी crop rabi crop नहीं है. मतलब आप खरीफ crop भी देखिए तो paddy is a distinct खरीफ crop. तो not a paddy, rabi crop, paddy will be the correct answer. Agriculture based question.
विच इंडियन स्टेट इज द हाई बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री? तो असम इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री। जे इंडिया की गल करिए, इंडिया सैकेंड नंबर पर आता इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। फर्स्ट नंबर पर ओबियसली चाइना इज द कंट्री विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया कम्स एंड द सेकेंड स्पॉट, एंड असम इज द स्टेट इन इंडिया विच इज लार्जेस्ट या बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द कंट्री। ठीक है जी। एंड ऑल्सो जिन्नी भी टॉप वरायटी ऑफ टी है, ठीक है जी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी है, वो सारी इंडिया के मोस्टली की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर जाती है। In 2020-21, the protest, farmers protest is about recent protest जेड़ा बहुत time तो चल ही रहा है, ठीक है जी। This protest is against the farm laws जेड़े government वालों ले अंदे गए, 3 farm laws दे against ये protest है। तो I don't think किसी ने इस तो doubt होगी, guarantee of employment नहीं है, corporation of farming नहीं है, diversification of pattern नहीं है, ठीक है जी। तो मेजर जो मुद्दा है, किसान चाहते हैं कि तिने फार्म लॉज रिपील होन, गवर्नमेंट इज नॉट बैकिंग आउट, गवर्नमेंट डिस्कशन करने के राह खुल रही है, ठीक है जी। तो ए रिपील ऑफ फार्मर्स लॉज इज द करेक्ट आंसर, जो वो चाहते हैं कि साड़ी ये डिमांड है, जो फार्मर्स की है डिमांड है। इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर 2019-20 फॉर द स्कूल एजुकेशन पंजाब अचीव्ड, पंजाब की किनवी रैंक आई है। तो खास गल ये है, ग्रेडिंग का मतलब ये है कि इसते इको थान ते दो तीन पोजिशन हो सकती, मतलब कि 4-5 स्टेट्स भी इको पोजिशन ते हो सकती हैं, ठीक है जी। ग्रेडिंग का मतलब है जो उन्होंने ग्रेड दे देना, मैंने पता है स्कूलों के जिम्मे ग्रेड नहीं देते, ए ग्रेड मतलब थोड़ा जि किसी का ज़्यादा भी होने घट भी होने एक लैवल तो उपर सारे ए ग्रेड के आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का ए वाला इंडैक्स है जिस स्टेट्स है जिहड़ियां, तो तमिलनाडु पंजाब ये सारिया स्टेट्स है जिहड़ियां टॉप ग्रेड के आई हैं। तो पंजाब ऑलसो कम्स एट द टॉप ग्रेड, तो इसका करैक्ट आंसर टॉप पोजिशन होगा। देर इज नो एग्जैक्ट रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स, तो ये वाली गल जी गलत हो जूगी। टॉप पोजिशन का मतलब है कि टॉप ग्रेड बेस्ट ग्रेड के आया, ठीक है जी। तो डी इज द करैक्ट आंसर। द बी टी सीड्स, ठीक है जी। तो बी टी सीड्स मतलब की है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे तुम सुने होना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब की है, क्रॉप्स के जीन्स लैवल से चेंज कर देना फॉर द बेनीफिट, किसान के बेनीफिट लिए, जो प्रोडक्शन वूगी, ईल्ड वूगी, जिद की होगा, या क्रॉप है जी पेस्ट रजिस्टेंट हो जूगी, ठीक है जी। तो स्पेसीफिकली बी टी कॉटन बारे तुम सुने होना, यह डिवेलप की गई थी, जिन्होंने ट्रांसजेनिक कॉटन भी कह देंगे, अगेंस्ट द अटैक ऑफ बोलवॉम्स, बॉलवॉम्स दे अटैक दे अगेंस्ट की गई सी। रीसेंटली इस दे विरुद्ध प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहे हैं, बिकॉज ओ बीटी कॉटन दे विरुद्ध, बिकॉज ए बॉलवॉम नू हुण प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, एवोल्यूशन प्रोसेस दे नाल हुण अटैक्स वध गए, बहुत सारिया जो प्रोडक्शन है वो नीचे आ रही है, ठीक है जी। ओवरऑल जीएम क्रॉप्स दे अगेंस्ट भी की होंगी है, बेसिकली प्रोटेस्ट रहिंदा है, क्यों? क्योंकि जेनेटिक लैवल से चेंजिस कीतियां जा रही हैं, जेडे बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस नू सही नहीं मानते, ठीक है जी। तो इंडिया दे विच एक बॉडी है ऑन द सेपरेट नोट जी अप्रूवल दिंदी है, ठीक है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, कि केड़ियां केड़ियां जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नू अप्रूवल देनी है। फॉर टाइम बिंग इंडिया दे विच कमर्शियली ओनली बी टी कॉटन इज द क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जी अलाउड है, होर कोई अलाउड नहीं है। ऑलदो GEAC वालों बी टी GM मस्टर्ड BT ब्रिंजल नूं भी हाँ कही गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने हजे तक इस नूं क्लीयरेंस जिहड़ी नहीं दित्ती है, ठीक है जी। तो सी इज द करैक्ट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ए ऑप्शन है वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी वेरी करैक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन है जो करैक्ट आंसर है। आर्टिकल 64 है जोड़ा वो ये गल कहता, आर्टिकल 63 कहता देर शैल बी वाइस प्रेजिडेंट इन द कंट्री, आर्टिकल 64 कहता कि जो वाइस प्रेजिडेंट हो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, विच मीनस जो भी वाइस प्रेजिडेंट होगा वह राज्यसभा का की होगा, चेयरमैन होगा। तो ए इज द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज है मैनुफैक्चर्ड कोविशील्ड वैक्सीन, तो ऑक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जी इंडिया के डिवेलप की गई, बेसिकली इन विद द नेम ऑफ ओही वैक्सीन, ठीक है जी। उसनू इंडिया के मैनुफैक्चर किया किसने, सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है जी। तो फाइजर की तो बायनटेक है, बायनटेक दिस इज नेम ऑफ फाइजर वैक्सीन, ठीक है जी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, तो जी कोविशील्ड वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिवेलप की गई है, जो ऑक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका वाला जो वैक्सीन का मॉडल है।
ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप तुहाडे क्वेश्चन है जिहड़े सही होए होणगे या तुहानूं मैं जिहड़ी इनफॉर्मेशन दित्ती है तुहाडे लई हैल्पफुल रही होगी एग्जाम दे लई। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी सब्जेक्ट्स के भी तुसीं वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो, इस वीडियो के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक दिता गया, तुसीं उस तो तुहानूं PDF भी मिल जूगा। थैंक यू एवरीवन, हैव गुड डे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सब तो पहला स्वागत है थोड़ा ज्ञानम दे डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइज, रीसेंटली थोड़ा एग्जाम होया PSSB लीगल क्लर्क का, सो उस आप क्वानटेटिव सैक्शन डिस्कस कर रहे हैं जी। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है जी अपना, इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, इट मीन मैंने रेट दे रखा है जी 6%। सो गाइज, रेट दे रखा है 6%, टाइम हैगा जी अपना पर एनम। सो अमाउंट जी इट मीनस आप ने प्रिंसीपल पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कि दे रखा है जी 6000, राइट। सो गाइज, आपने प्रिंसीपल पता करना है, टाइम अपना एक साल है 6000 रुपीज। सो आप सिंपली पुट करेंगे जी, सिंपल इंटरेस्ट की होंगे P × R × T। सो P × R × T इतने कि हो गया जी 6000 हो गया, पी की वैल्यू अपने को पी है, आर कि हो गया जी अपने को 6% है, टाइम हैगा जी एक साल। सो गाइज, इतने कटिंग करके कि आ गया जी 1000 आ गया। सो प्रिंसीपल की वैल्यू कि आ गई जी 1 lakh। सो प्रिंसीपल की वैल्यू कि आ गई जी 1 lakh rupees, क्लीयर है जी। सो मेरा आंसर कि आ गया जी सी ऑप्शन, क्लीयर है जी, मेरा आंसर कि आ गया जी सी ऑप्शन, राइट। सो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी आप, इफ ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी दे रखे जी, कहें ए रेशो डी पता करो। सो गाइज, ए रेशो डी पता करने का सब तो वधिया तरीके की ए बी बी सी एंड सी डी, इन इदा लिख लो जी, ए मल्टीप्लाई पा दें, ठीक है। जो मैं ये मल्टीप्लाई किया, बी नाल बी कट गया कॉन्सटेंट, नाल सी नाल सी कट गया, तो बचा कि जी अपने को ए बटा डी बचा जी, राइट। सो गाइज, मैं कि लिखूंगा 2/3, 4/5, राइट। इतने मैं कि लिखूंगा जी 6/7, जो कटद कट दो, 3 × 6 कटता कि आ गया जी 2, कुछ भी नहीं कट रहा जी होर। सो न्यूमरेटरस नू, यानी सारे न्यूमरेटर नू मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 2 × 2 × 4 × 2, यानी 16, 4 × 4 = 16 हो गया जी, उरे कि हो गया 35। सो गाइज, मेरा ए रेशो डी कि आ गया जी 16:35। सो गाइज, आंसर कि आ गया जी डी ऑप्शन, 16:35 आंसर कि आ गया जी डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है जी, इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन दिस। सो गाइज, 100% है जी अपने को, जे उदे चो 75 अपने को बॉयज ने, जे उदे तो 75 अपने को बॉयज ने, तो 25% की हो गया गर्ल्स हो गया जी। सो गाइज, 25% अपने को हो गया गर्ल्स। हूँ 25% की होंगे जी 1/4, यानी 25% गर्ल्स आपू कि दे रखे ने 420 दे रखे ने, राइट। सो मैं 1/4 लिख सकना जी, 1/4 कि बराबर है जी 420 दे। 100% चो जे 75% बॉयज ने, तो 25% कुड़िया हुई, 25% को 1/4 कहने, 25% कि बराबर दे रखे जी 420 दे। सो 1/4, सो 1 part कि बराबर हो गया जी, 1 का मतलब होंगे अपना 100%। सो 100% अपने को एने स्टूडेंट आ गए, ठीक है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो गाइज, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जिदे 420 अपने को ने गर्ल्स ने जी, तो 1680 चो मैं 420 माइनस कर दूंगा जी, कि आजगा जी मेरे को 1260, कि आजगा जी आंसर 1260, सी ऑप्शन आ गया, राइट एवरीबडी। नेक्स्ट, हाँ जी, ए परसन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 48 किलोमीटर इन 2 hours। सब तो पहला आप स्पीड कढ़ लेंगे जी, की आजगी जी, स्पीड की होंगी जी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कहना है जी 48 किलोमीटर इन 2 hours, 24 किलोमीटर पर आवर की होगी जी मेरी स्पीड होगी, 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है जी, ये मेरी की होगी जी स्पीड होगी, राइट एवरीबडी, ठीक है। हाउ मच टाइम, टाइम की होंगे जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाउ मच टाइम। सो गाइज, इतने देखो डिस्टेंस किन्ना दी अपने को 252 किलोमीटर है जी, स्पीड की जो मैं गल करा जी, स्पीड हैगी जी मेरे को 24 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज, जो मैंने इनू सॉल्व किया, कटिंग की, तो कि आ गया जी 10.5 घंटे, कि आ गया जी 10 1/2 hours, कि आ गया जी 10 1/2 hours। पहला मैं स्पीड की 24 किलोमीटर पर आवर, फिर वो कहता इन्ने किलोमीटर इस स्पीड न कर 252 किलोमीटर 24 की स्पीड करने आपको कि टाइम लगता है जी 10.5 घंटे, राइट एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आउट ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, ओके, इन ए क्लास 40 आर इंग्लिश कंपोजिशन, 29 आर इन केमिस्ट्री, 5 स्टूडेंट्स आर इन बोथ। सो गाइज, आ चीज जी है बोथ है, इस सेंटर आपू सेंटर बोथ कहना, दिस इज सेंटर, क्लीयर है, दिस इज बोथ, कि अपने को 5 स्टूडेंट्स ने जी, राइट, ये अपने को बोथ 5 स्टूडेंट्स ने, राइट, बोथ है कि ने 5। सो गाइज, जी आ वाली चीज़ है, ये टोटल 14 है, ठीक है जी, आप मार्कर कोई होर ले लें, लाइक
A14 है जी टोटल A14 है तो इतने किन्ने दी है इंग्लिश ए इंग्लिश लिख लेने दी आप ओरे दिस इज 29 केमिस्ट्री दिस इज 29 केमिस्ट्री क्लियर है जी सो गाइज एक चीज देखो जो 29 चो पांच हिस्से ठीक है जी 29 चो अगर 5 इधर आ गए दी तो उरे किन्ने बचे 24 क्लियर है जी उरे किन्ने बचे 24 दिस इज ओनली इंग्लिश ओनली केमिस्ट्री सॉरी ओनली केमिस्ट्री क्लियर है जी दिस इज ओनली केमिस्ट्री अगर 14 चो 5 इधर आ गए तो उरे किन्ने बचे जी 9 दिस इज ओनली 9 ओनली इंग्लिश ओनली इंग्लिश राइट एवरीबॉडी क्लियर है जी हुण एक चीज देखो जी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन नाइदर क्लासेस सो की हो जाऊगा जी सो गाइज इनू टोटल नू ऐड करो आउट ऑफ 40 चो आपां माइनस करांगे किन्ना हो गया जी इह 29 29 9 38 क्लियर है जी 38 हो गया सो मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ 40 चो जे ए सारे 38 ने तो इट मीन टू आर नाइदर इन क्लास क्लियर है जी सो सब तो पहला अपन ने सेंटर पुट किया उरे 5 आया जी दिस इज सेंटर 5 ठीक है जी 5 आउट ऑफ 29 चो जे 5 उरे है तो किन्ना आ गया जी उरे 24 आ गया बिकॉज ए ओनली केमिस्ट्री है 14 चो 5 उरे है तो 9 उरे गया ओनली इंग्लिश है तो मैं ये 38 किमें बनाया प्लीज वो एक बार एक्सप्लेन कर रहा मैं 38 किमें बनाया कि आउट ऑफ 40 चो आप सारे माइनस करते 9 प्लस 5 प्लस 24 यानी 38 मैं की करता जी माइनस करता सो जे मैं 38 माइनस कर दूंगा 38 माइनस कर दूंगा तो किन्ना आ जाऊगा जी 2 आ जाऊगा राइट एवरीबॉडी आई होप कि ये क्लियर है जी नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज राइट इस सीरीज क्रैक करनी है जी आप सो अपने कोल की है जी 8 है 24 है 12 है क्वेश्चन मार्क है जी 18 है 54 है जी राइट क्लियर है जी प्लीज ध्यान नाल देखो जे मैं इनू मतलब कि डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 किया दैन डिवाइड बाय 2 किया ठीक है जी इन टू 3 किया 24 डिवाइड बाय 2 किया 12 सो गाइज इन टू 3 करके देखा तो 36 आ रहा बट जे मैं 36 नू हुण 2 नाल डिवाइड करूंगा तो 18 आना चाहिए यस अगे भी देखो इन टू मल्टीप्लाई 3 किया तो 54 आ रहा मीनस की सीरीज का पैटर्न चल गया इन टू 3 24 डिवाइड बाय 2 12 इन टू 3 36 डिवाइड बाय 2 18 इन टू 3 54 यानी इन टू 3 डिवाइड बाय 2 इन टू 3 डिवाइड बाय 2 राइट सो गाइज ये मेरा आंसर किन्ना आ गया जी 36 राइट एवरीबडी सो गाइज उम्मीद करना कि थोनू 6 से 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर वेल हाँ जी अज आपां लीगल दा पेपर लीगल क्लर्क दा पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिदे विच रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल आई पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है ब्लड रिलेशनशिप नाल की क्या गया ए इज सिस्टर ऑफ बी ए इज सिस्टर ऑफ बी सी इज ब्रदर ऑफ डी सी इज ब्रदर ऑफ डी इफ डी इज सिस्टर ऑफ ए ठीक है जी मतलब यह सारे आपस च ही भैन भरा हो गए तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी हुण बी दा आपां नूं जेंडर नहीं पता लेकिन या तो वह ब्रदर हो सकता है या फिर वह सिस्टर हो सकता है ब्रदर जेंडर कन्फर्म नहीं ब्रदर ऑफ सिस्टर जेंडर कन्फर्म नहीं जेंडर नहीं पता तो आपां की कहांगे डेटा इन एडिक्वेट ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपां नूं की कहा गया कोडिंग डिकोडिंग द क्वेश्चन है पोस्टर्ड इज रिलेटेड टू डी ई टी एस ओ पी की हो रहा है इहदे विच डी ई टी एस ओ पी एक तरीके नाल रिवर्स करके लिखता आपां नूं वर्ड किहड़ा दिता स्पीड की हो जूगा डी ई ई पी एस इत्थे भी रिवर्स करके देता सी ना है ना आपा भी की करांगे रिवर्स करके दे दांगे डीप्स आंसर इज ए ऑप्शन हां जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ए पी आर एक्स एस एंड जी आर सिटिंग इन अ रो किन्ने लोग है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है एस एंड जी आर इन द सेंटर ओके एस और जी ने इत्थे आना है राइट ए एंड पी आर द एंड ठीक है जी ए और पी कोई भी हो सकता है कितने कौन है मैनू नहीं पता
आर जो है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, फेस नॉर्थ से वाल, राइट इधर लेफ्ट है ना, आर जो है वो ए दे लेफ्ट ते है, मतलब इधर तो कोई बैठा ही नहीं, मीन्स ए ने इथे नहीं आना, ए किथे आएगा, इथे, ठीक है, राइट लेफ्ट मीन्स आर जो है वो इथे है, रिमेनिंग पर्सन बचे अपने को कौन, एक्स, पूछा की है हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी दे राइट ते कौन है, एक्स, आंसर इज बी ऑप्शन। हाँ जी, इफ इट इज संडे टूडे, अगर आज संडे है, टूडे अपने कोल संडे है, टूडे अगर आज अपने कोल संडे है, व्हाट विल बी डे आफ्टर 60 डेज, 60 डेज अपन की आंदा है, ऑड डेज लगाना आंदा है, अपन की आंदा है, ऑड डेज लगाना आंदा है, ठीक है, किवें लगावांगे, थोनू एक चीज होर भी आंदी है, की आंदा थोनू +7 करना, ठीक है, अगर अपा ऑड डेज लगाइए अपन 60 देता, मैं किस दे नाल डिवाइड करा, ऑड डेज निकालने लिए 7 दे नाल, 7 नाल डिवाइड करन ते की आऊगा 7 8 56, हाँ जी, रिमाइंडर की आया अपने कोल 4, आज जो है वो संडे है, मीन्स अगले दिन की होगा मंडे, फिर की होगा ट्यूसडे, फिर की होगा वेंसडे, फिर की होगा थर्सडे, 4 दिन बाद की आऊगा थर्सडे, ठीक है, हाँ जी, क्लियर जी, आई होप इन्ना थोनू क्लियर होगा, इतों तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है, थैंक यू। Hi all, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So I am here for the PSSSB Legal Clerk English Language section. Bada easy exam aaya tha guys, aur aapko uska ek chhota sa hum namuna dikha bhi dete hain yahan par, acha sa color choose karke. Dekhen, the advice you gave me has been very useful, thank you. इन ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो आपको लगता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब करता है, बड़ा सिंपल, एक सेकंड का आंसर, पता क्यों, कहता है द लगा है, द क्या है सर, आर्टिकल, इंग्लिश में द मोमेंट यू टॉक अबाउट आर्टिकल, आर्टिकल इज समथिंग दैट फॉलोज अ नाउन एवरी टाइम, सिर्फ एक आर्टिकल है जिसके बाद नाउन लगता है, अब आप बोलोगे एडवाइस तो वर्ब भी होता है, होता होगा, किसने मना किया, तो बेसिक यहां पर क्या आया, आपने ये लगाया, और मोर ओवर जो एडवाइस वर्ब होता है वो हो जाता है एस वाला, सो द आंसर हेयर कम्स आउट टू बी नाउन, सर नाउन तो दो है, एडवाइजेस कोई वर्ड नहीं है, ये प्लूरल नहीं बनाता, इट रिमेन्स सिंगुलर, सो वी कैन से दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो ये था पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था, राइट, मूविंग ऑन फर्दर टू दिस वन, द गिल्ड हॉल इज अ पिक्चरस्क हाफ टिम्बर्ड स्ट्रक्चर, भाई ये लगा है स्ट्रक्चर कैसे, सर ये देखो ये क्या है आर्टिकल, अभी तो बोला आर्टिकल किसके लिए लगता है नाउन, तो आखिरी में आपको क्या मिला नाउन मिला, उससे पहले के जितने भी हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं मतलब उसकी क्वालिटी में थोड़ा कुछ एडिशन कर रहे हैं, एंड दैट एडिशन इन क्वालिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव, द आंसर टू दिस लाइज इन ऑप्शन डी, He rarely does any work but always gets good results. अभी देखो जरा ये है always का बारे में, always का मतलब है he's talking about frequency. How often he gets it? कितना frequency? I daily brush my teeth. I twice brush my teeth. अब क्या कहता है I brush my teeth twice. अब यहां से प्रूफ क्या होता है, यहां से प्रूफ ये होता है कि भाई जब भी आपको something that talks about आपकी कोई फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स यू डू अ सर्टेन थिंग, इस चीज की बात करेगा और उसका जो आंसर होगा वो हर बार आपको एडवर्ब मिलेगा, सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई एम श्योर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है, वो खुद के बारे में बात कर रही है, हिस्ट्री तो नाउन हुआ,
नाउन जब अपने बारे में खुद के बारे में बात करेगा और वो भी ये लगाकर, इट हैज टू बी व्हाट, प्रोनाउन। वैसे ये कर क्या रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है, तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउन्स और वी कैन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, जहां रिफ्लेक्शन शो करता है अपनी ये बोलते हैं। द आंसर लाइज इन ऑप्शन डी। देयर वी गो, द सेलर इज रेडी टू कस्टमाइज। अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन, टू लगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इन्फिनिटिव्स बोला जाता है, पर अब आपके पास टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। द आंसर लाइज इन ऑप्शन सी। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम, ऐसा बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली DEFINI इज द करेक्ट स्पेलिंग्स। ई तो आता ही नहीं है और ये ए भी नहीं आता है, डेफिनेटली नहीं होता, इट्स डेफिनेटली, राइट। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। द टीम इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच, टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट इन, कॉन्फिडेंट, देखो फॉर तो आता नहीं है। अब देखो ये वर्ड है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अपने साथ ऑफ लेता है। आपको किसी में ट्रस्ट होता है ना, बिलीफ होता है, तो उसको बोलते हैं आई हैव गॉट। अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें, आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस इन यू, फिर तो सही है, राइट। सो इट शुड बी, यहां पर द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ, ऑफ के बाद जो भी आएगा दैट वुड बी अ सर्टेन कॉज जिसके लिए आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म बनाने, द पुलिस बीट नंबर ऑफ, अभी पुलिस जो है उसने बीट वर्ड लगाया, पता नहीं ये बीट प्रेजेंट में है कि पास्ट में, क्योंकि दोनों फॉर्म तो सेम चलती है प्रेजेंट पास्ट की। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बीट जो है उसकी हिंदी बन जाएगी पुलिस लास्ट नाइट मारती रहती है उनको ना, अब लास्ट नाइट है तो ये चल गया ये पास्ट में, तो यहां से प्रूव होता है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इनडेफिनेट। इफ दिस सेंटेंस कम्स आउट टू बी इन पास्ट इनडेफिनेट, यहां से लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, वो क्या कहता, पास्ट इनडेफिनेट है, राइट। आपने लगाया अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस, राइट। अब यहां से आपको क्या पता लगा कि ये सेंटेंस सही लग रहा है, ठीक है जी। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स बीन बीटन एक है, अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हैज बीन बीटन एक है, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन, तो ये दोनों तो आपके ओमिट हो गए। अब सीन क्या है, क्या लगाएंगे, अब यहां लगाया अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर, या अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस लास्ट नाइट। ऑफ कोर्स जो लास्ट नाइट वाला होगा वो आपका आंसर होगा, बिकॉज ये आप नरेशन नहीं कर रहे हैं कि लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट करेंगे, सो वी कैन जस्ट कंक्लूड दिस आउट कि भाई ये ऑप्शन आपका ओमिट हो जाएगा। ये तो वैसे ही बेचारा प्रेजेंट में था, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, तो दो वैसे ही चले गए थे, दो रह गए थे, इसमें वर बीटन है, उसमें वर बीटन है। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर, नहीं लास्ट नाइट इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। वो एक्टिव पैसिव में नहीं होता, वो नरेशन में होता है, वेर यू हैव टू चेंज दोज थिंग्स आउट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, वन हु हैज डिल्यूजन्स अबाउट हिज इनविंसिबिलिटीज, राइट। अच्छा, फर्स्ट वर्ड इज पायरोमेनियाक, पायरो इज रिलेटेड टू फायर, यू मस्ट हैव स्टडीड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, समथिंग जो आग लगाने के लिए तत्पर रहता है, रिलेटेड टू फायर इज पायरो, वी हैव टू ओमिट दिस आउट। द सेकेंड थिंग कम्स आउट टू बी मेगालोमेनियाक, शायद आपको ना पता हो, हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाक इज समथिंग जहां पर पर्सन सोचता है कि मुझे कोई रोग है, he has got that illusion in his mind कि नहीं मुझे कोई बीमारी हो रखी है, हर बार उसको लगता है कोई ना कोई बीमारी है, so ये भी नहीं होगा, right? Mono is for a single thing, नहीं, so the answer lies in option number B, megalomaniac. Next we have is you have to choose the correct option for the idiom in bold, to rise like a phoenix. ये एक बर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बट ये सिंपल है, कहते हैं ना मार खाकर वापस उठना, लड़खड़ाकर भी बढ़ना, इज कॉल्ड दिस, टू बिकम सक्सेसफुल अगैन। टाइम टू आंसर तो है नहीं, पीपल के लिए भी नहीं है, मेमोरेबल भी नहीं है, इट्स समथिंग दैट रिलेट्स टू यू हैव गॉट सक्सीडेड अगैन। सो या ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई होप तुम सारे ठीक होंगे। आज इस डिस्कस करेंगे जिवें कि अपना हुनर पेपर होया है P++B लीगल क्लर्क दा, ठीक है, उधर से पंजाबी जेडे क्वेश्चंस आए सी उधर एक सलूशन देखते हैं। फ
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा, ठीक है, मोस्ट सारे क्वेश्चन ईजी सी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, केड़े शब्द द जोड़ शुद्ध है, असी इन्हें चारों के जोड़ा करेक्ट हैगा वह फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला देखते हैं परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो जोड़े सही स्पैलिंग होंगे इदा होंगे परिवर्तन, राइट। इट मीनस अपना ऑप्शन बी जोड़ा है और राइट आंसर है, ऑप्शन बी कह अपना राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, नैक्सट क्वेश्चन अपना है कि आप इन्ह चार जोड़ा अशुद्ध मतलब जोड़ा गलत हैगा वो फाइंड आउट करना है। इन्ह चार ऑप्शनों के जोड़ा गलत हैगा अशुद्ध जोड़ा है शब्द जोड़ की पहचान करनी है, किड़ा होएगा पटियाला, अपना पटियाला भी सही है, फरीदकोट भी सही आंसर सही है स्पैलिंग वाइज, मलेरकोटला भी सही है। इट मीनस जो अपना राइट आंसर जोड़ा है राइट आंसर की आएगा अपना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्पैलिंग जोड़े है सही नहीं है तो ये अपना की है राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, नैक्सट क्वेश्चन की है कि किस शब्द का क जोड़ा है अगेतर है, इन्ह चार फाइंड करना अगेतर। देखो चार अगे कक्का लग्या होया है पर अगेतर का मतलब की होंगे कि जोड़ा लास्ट वाला जल जो शब्द होंगे उसका भी कोई ना सार्थक मीनिंग निकलता हो। पहला देखते हैं जे असी कक्के हटा दीए तो र ते मो यदा मीनिंग नहीं बन रहा, इट मीनस अपना आंसर नहीं होएगा। सैकेंड जोड़ा है कक्के हटा दीए लजुक ये भी अपना राइट आंसर नहीं है, बुत्र ये भी अपना राइट आंसर नहीं है, जे असी कक्का प्लस पुत्र ये अपना की है राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी जोड़ा है अपना राइट आंसर है, क्योंकि जो लास्ट जो कक्के हटा के मीनिंग जोड़ा है सार्थक मीनिंग बन रहा है, इट मीनस अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह अपना राइट आंसर है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपना की है केड़ा शब्द जोड़ा है समानार्थक नहीं है, इन्हें चार फाइंड आउट करना है केड़ा शब्द जोड़ा है समानार्थक नहीं है। समानार्थक का मतलब की होंगे सेम सिमिलर, देखो अमीर धनवान दौलतमंद ते विद्वान, ए तीनों जो सिमिलर ने, अमीर भी होंगे धनवाद दौलतमंद भी, इट मीनस नहीं लभ्या तो असं इन्ह चार फाइंड आउट करना है केड़ा जोड़ा है समानार्थक शब्द नहीं है, इट मीनस ऑप्शन डी जी है अपनी राइट आंसर है, विद्वान की अपना सही आंसर है, विद्वान की अपना सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, नैक्सट क्वेश्चन अपना है निमन दर्ज वाक विच पड़नाम केड़ा है, शीला दा सुनेहा आया कि ओ आज नहीं आवेगी। देखो शीला एक नाम आ गया, एदे विच ओ की है पड़नाम, ठीक है। पड़नाम की होंगे जिहड़ा नाम की जगह वरत्या जाए उन्हू की बोलते हैं पड़नाम बोलते हैं, देख शीला अपना नाम आ गया सुनेहा भी नहीं आएगा, ठीक है, ओ अपना राइट आंसर अज भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन सी जी है अपनी राइट आंसर है, ऑप्शन सी की है अपना राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपना है कि असी बहुवचन जोड़े है फाइंड करना है, बहुवचन वाले वाक की पहचान करनी है, चार वाक अपन दिते हुए ने इन्हों जो बहुवचन है उसकी पहचान करनी है। पहला अपना की है हाथी मारिया गया नहीं, ठीक है, हाथी मारे गए ये हो सकता है, हाथी मर गया ये भी नहीं, हाथी नू मारिया गया नहीं, ये तीनों की ने गलत आंसर ने, राइट आंसर की है अपना ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर, ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनार ते 100 बीमार, अखान दा सही अर्थ ही फाइंड करना है, एक अनार ते 100 बीमार, चार ऑप्शन दित्तिया ने, चीज थोड़ी होवे पर लोड़वंद बहुते होन। सेकंड अपनी है जो हर किसी दे पसंद होवे, सी अपनी ऑप्शन हैगी है अनार तो लगन वाली 100 बीमारी, ये तो नहीं हो सकता है ना, लास्ट अपना है एक अनार नू 100 बीमारा विच वंडना गलत, मतलब कि असी ए ते बी विचों राइट आंसर फाइंड आउट करना है, राइट आंसर अपना की होएगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए अपना की होगा राइट आंसर कि चीज थोड़ी होवे पर उदे लोड़वन जड़े हैगे आ वो बहुते हो ता यूज कर दिया कि एक अनार ते सो बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा हाथी लंघ गया पूछ आड़ गई अखान दा सही भाव अर्थ की है। इहदा मतलब की हुंदा जदों सारा बहुत वड्डा काम हो जाए पर थोड़ा जिहा किसी ना किसी तरीके रह जाए। देखदे हां इहनां दा राइट आंसर की है पूछ दा दरवाजे विच आड़ जाना नहीं। हाथी तां लंघ गया पर पूछ नहीं लंघदी इह वी सही आंसर नहीं है। जदों किसी वड्डे कारज दा छोटा जिहा हिस्सा रह जाए बिल्कुल इह आंसर अपना ठीक है काम नूं उधर छड्ड देना। मतलब ऑप्शन सी जिहड़ा हैगा राइट आंसर है कि जदों कोई वड्डा काम हो जाए पर कोई छोटा जिहा हिस्सा उहदा रह जाए तां यूज करदे आ कि हाथी लंघ गया ते पूछ अड़ गई। राइट आंसर अपना की आएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर अपना आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा रिपब्लिक डे जिहड़ा हैगा पंजाबी दे विच की किया जांदा है। रिपब्लिक डे नूं पंजाबी दे विच की किया जांदा है स्वतंत्र दिवस आजादी दिहाड़ा संविधान दिवस ते गणतंत्र दिवस। राइट आंसर अपना की है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की अपना राइट आंसर रिपब्लिक डे नूं पंजाबी दे विच गणतंत्र दिवस किया जांदा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि अपने जीवन बारे आप लिखी पुस्तक नूं की कहंदे आ। अपने जीवन बारे लिखी हुई पुस्तक नूं की कहंदे आ जीवनी जीवन कथा स्वै जीवनी जां हड बीती। अपना ऑप्शन सी जिहड़ा हैगा राइट आंसर है जिहड़ी कथा हैगी जिहड़ी अपनी जिहड़ी पुस्तक अपने आप ते लिखी हुंदी आ उहनूं बोलदे आ स्वै जीवनी उहनूं बोलदे आ स्वै जीवनी। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखदे आ। This is last question and I hope तुहानू समझ आया होएगा। Thank you so much guys. हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अभी आपके पास एक पेपर हुआ है PSSSB बोर्ड का लीगल क्लर्क का जिसमें कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन जो है आपके साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी तो सबसे पहले देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा गया था CPU स्टैंड फॉर। बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे दिया गया है। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आप लोग भी सारे जानते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनना था बाकी कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं बनना था। तो जो भी पेपर था पेपर में अगर मैं बात करूँ तो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है अभी आप लोग डिस्कस करेंगे और आपको लेवल का भी यहाँ पे पता चलेगा कि लेवल जो है वो किस तरीके का। तो ये मैं इजी इस क्वेश्चन को यहाँ पे बोलूंगा बिल्कुल। आगे देखिए विच of the following is not an input device। अब ये देखिए not input पूछा गया है बिल्कुल easy question है ये भी आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा input device नहीं है। means touch screen वो input device है optical scanner input device है computer mouse input device है but plotter is an output device। तो यही इसका क्या बनेगा right answer बनेगा। ठीक है next बात करते हैं आपके पास accidentally you happened टू मेक अ मिस्टेक वाइल वर्किंग विद योर डॉक्यूमेंट इन MS Word, वट शॉर्टकट की यू विल यूज टू रिवर्ट द एक्शन। मीन्स आपके पास यहाँ पे यह पूछा गया कि आप MS Word में कोई काम कर रहे हैं वहां पे काम करते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे थे वहां पे कुछ आपने गलत टाइप कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आऊं तो मेरे को कौन सा शॉर्टकट की यहाँ पे यूज करना है। अगर सिंपल बात करूं तो ये बोल रहा था कि अंडू करके बताइए आपको अंडू करने के लिए यहाँ पे बोला गया था और कुछ नहीं यहाँ पे बोला गया था। तो अंडू करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस जेड होता है आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस जेड। ये था क्वेश्चन एक्चुअल में सिर्फ घुमा के आपको यहाँ पे बोला गया और कुछ भी नहीं था। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए वाईफाई जो है आज की डेट में हर कोई बच्चा यूज कर रहा है अपने अपने घरों में। अगर घरों में नहीं है तो मोबाइल फोन के ऊपर भी आप लोग इसका यूज करते हैं। ये पूछा है कि वाईफाई जो है वो चलता कैसे है टाइप ऑफ कंप्यूटर टाइप ऑफ नेटवर्क केबल। देखो केबल का तो है नहीं कंप्यूटर का नेटवर्क है नहीं वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है ये
ठीक है, नो डाउट आपके पास जोड़ने का काम करता है, बट ये काम करता है वायरलेस तरीके से, वाईफाई, आपको पता है वाईफाई का मतलब क्या, वाईफाई ऑन कर दिया एक सिस्टम में एक जगह पे, और जितने भी कंप्यूटर हैं मोबाइल फोन उन सभी को इकट्ठा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके एक्सेस ले सकते हैं और उसे चला सकते हैं, बस सिंपल। तो ये क्या था, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टीवी के भी। अब यहाँ पे डिसेंडिंग का पूछा गया, डिसेंडिंग का मतलब वो अपने आप में होता है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा एंड फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ी यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, सबसे बड़ी यूनिट क्या है आपके पास, टेराबाइट। टीवी स्टैंड फॉर टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट क्या क्या अगर हम बात करते हैं, तो टेराबाइट से आपके पास आगे छोटी जो आती है वो आती है जीबी, ठीक है। जीबी से छोटी आपके पास आती है एमबी, और एमबी से छोटी आती है आपके पास केबी, ठीक है। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है यहां पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी ऑप्शन। होपफुली बात आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर बिजनेस एनालिसिस। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस एनालिसिस के लिए आप लोग करते हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक आपने डिस्कस किए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं बोलूंगा कि ट्रिक था। एक क्वेश्चन था जिसमें शॉर्टकट ट्रिक को थोड़ा घुमा के पूछा गया था, नथिंग एल्स। बाकी अगर बात करते हैं बिजनेस एनालिसिस के लिए, ऑब्वियस है आप लोग जो है एमएस एक्सेल यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना है चार्ट के थ्रू, आप लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो मेजर काम जो है आप लोग एमएस एक्सेल में करते हैं। वर्ड या विंडो तो अलग बात है, एसएस में ये काम नहीं होता है, एसएस का मतलब होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करी गई है, तो सिमिलर है, विंडो एक्सप्लोरर तो है नहीं, एमएस विंडो भी नहीं है, एमएस डेटाबेस या एमएसएसएस, एमएस डेटाबेस कुछ भी नहीं है, एमएसएसएस एक डेटाबेस है। अक्सर बच्चों ने यहां पे ये गलती करी होगी, एमएस डेटाबेस देख के उसको टिक कर दिया, नहीं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। इसका जो ये माइक्रोसॉफ्ट का एमएसएसएस नाम से सॉफ्टवेयर है, ना कि एमएस डेटाबेस, यही छोटी सी गलती बच्चों ने करी होगी, ठीक है, जो कि हमने भी अपने कोर्सेज में हर कोर्स में डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, इफ समवन हैज सेंट यू अ स्पैम दे, ये क्वेश्चन जो है वायरस से लिया गया है और इसको भी हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो जब भी आपको स्पैम कोई सेंड करता है तो क्या होगा, हैक्ड योर सिस्टम, सेंड यू एर एंड इंसल्टिंग ईमेल मैसेजेस, या इन्फेक्टेड योर कंप्यूटर विद वायरस, सेंड यू अनसोलोकेटेड ईमेल। एक्चुअल में स्पैम का मतलब ही होता है अनसोलोकेटेड ईमेल। तो आंसर इसके पास, मैंने अपनी जब भी मेरी क्लासेज हुई उनमें डायरेक्ट बताया कि अनसोलोकेटेड जहां पे वर्ड होगा दैट मींस स्पैम की यहां पे बात करी जा रही है। तो डायरेक्ट आंसर करना था डी ऑप्शन, नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यूएसबी, बिल्कुल एक बच्चों जैसा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यूनिवर्सल सॉकेट, यूनिवर्सल सीरियल बस, बी ऑप्शन। आगे देख लीजिए, यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल सीरियल ब्रिज है, तो बी ऑप्शन यहां पे बनेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे पूछे गए हैं। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये भी इजी, ये भी आपको करवाया गया है, बट थोड़ा सा आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा कि पढ़ के आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो है आपके पास ईमेल, ईमेल से लिया गया। अब आज की डेट में हर कोई बच्चा एक दूसरे को ईमेल करता है, तो ये क्वेश्चन वहां से दिया गया है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीसी एंड बीसीसी। तो सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म भी यार याद रखें आप लोग, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी एंड बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी पूछे जा सकते हैं, इसमें नहीं पूछा, आगे कभी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है आप लोगों से, तो सीसी का और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है, पहले देखिए, बीसीसी सपोर्ट अटैचमेंट बाय सीसी डज नॉट, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। सीसी डेटा इज सेंट अनक्रिप्टेड व्हाइल बीसीसी सेंड ओवर द सिक्योर कनेक्शन, है बिल्कुल गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसी हाइड सेंडर ईमेल एड्रेस व्हाइल सीसीसी डज नॉट, ये भी गलत। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, बीसीसी जो होता है हाइड ऑल द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस व्हाइल सीसीसी डजंट है, बस यही छोटा सा एक डिफरेंस है। बीसीसी जो होता है वो क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है जितने भी रेसिपिएंट होते हैं उनके ईमेल एड्रेस को, बट सीसी में आप लोग नहीं कर सकते हाइड।
तो होपफुली यहाँ तक आप सभी को ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है गाइस, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।